हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को हमारे पीछे बाकेगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्पेशल ट्रेन दिखाई दे रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 29 अगस्त है और आज बाकेगंज से मैलानी के बीच में जो OHE लाइन है, इसका इंस्पेक्शन होना है। तो आप सभी को बाकेगंज स्टेशन से आज की वीडियो दिखाते हैं, क्या हाल चाल है बाकेगंज स्टेशन पर आज के इंस्पेक्शन को लेकर। दोस्तों, आप सभी को बाकेगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो स्पेशल ट्रेन है वो अराइवल करते हुए दिखाई दे रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि बीती 26 अगस्त को बाकेगंज से मैलानी के बीच में ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल कराया गया था, जो कि ट्रायल पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। और आज 29 अगस्त को PCEE इंस्पेक्शन होने जा रहा है बाकेगंज से मैलानी के लिए, जिसके चलते बाकेगंज पर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों से करी जा रही हैं। बाकेगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 5 डिब्बे की स्पेशल ट्रेन आप सभी को अराइवल करते हुए नज़र आ रही होगी, जो कि इसी स्पेशल ट्रेन में तमाम अधिकारीगण गोरखपुर व लखनऊ से आए हैं, जो कि बाकेगंज से मैलानी के बीच में OHE लाइन का बारीकी से इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद मैलानी से बाकेगंज के बीच में ई लोको द्वारा स्पीड ट्रायल कराया जाएगा। तो देख सकते हैं, तमाम अधिकारीगण आप सभी को इस ट्रेन से उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी शानदार बाकेगंज रेलवे स्टेशन को सजाया गया है आज के इस इंस्पेक्शन को लेकर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जब ये इंस्पेक्शन पूरा होगा तो बहुत जल्द जो लखनऊ से मैलानी के बीच में डीजल लोको से ट्रेनें चलनी हैं, इनका संचालन इलेक्ट्रिक लोको से शुरू कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं, तमाम अधिकारीगण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं स्पेशल ट्रेन से, और पूजा अर्चना के बाद जो स्पेशल ट्रेन है वो बाकेगंज से मैलानी के लिए निकल पड़ेगी इंस्पेक्शन करते करते। तो देख सकते हैं, काफ़ी शानदार नज़ारा बाकेगंज रेलवे स्टेशन का, जो कि इसकी लाइव कवरेज हम करने आए हैं आप सभी के लिए, जिस प्रकार से हम लोको ट्रायल में आए थे। तो दोस्तों, आप लोग अगले पार्ट में जो बाकेगंज से मैलानी के बीच में इंस्पेक्शन होना है उसकी वीडियो भी देखने के लिए तैयार रहेगा। हम आप सभी को पूरी कवरेज दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे बाकेगंज से मैलानी के बीच में। तो देख सकते हैं, जो पूजा अर्चना है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ पर आप सभी को जो पंडाल है वह भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करी गई है बाकेगंज रेलवे स्टेशन की। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो अपना कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं पूजा पाठ को लेकर। तो काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ भी है, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऐतिहासिक दिन है लखनऊ मैलानी रूट के लिए, खासकर क्योंकि बाकेगंज से मैलानी के बीच में जो काम है ये लगभग 1 साल से पेंडिंग में था, और ये काम अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सामने आप सभी को साइन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जो कि श्री AK शुक्ला, जो हमारे PCEE NER रेलवे के इंजीनियर हैं, ये इंस्पेक्शन करेंगे इस OHE लाइन का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमने आप सभी को जो बाकेगंज रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी झलक दिखाई आज के इंस्पेक्शन को लेकर। ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ में अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल दी शहनवाज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आप सभी को बाकेगंज से मैलानी के बीच में जो इंस्पेक्शन होने वाला है उसकी कवरेज दिखाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।